फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे ये मॉस रोज़ हैं और इन्हें मैंने फूल फूल तोड़ लिए हैं, जिसमें कि छोटी छोटी सी डाली भी है और पत्ती को रिमूव कर दिया है, उन्हें इन होल में रख दूँगी। और मैंने ये 6 तरह के मॉस रोज़ लिए हैं, इसे नौबजिया और नौबजी का पौधा भी कहते हैं। तो बारिश के टाइम पे मिट्टी बहुत सॉफ्ट हुई है तो आसानी से इसमें होल हो गया है। और इस तरह से मैं सारे फ्लावर्स को लगा दूंगी और बहुत ही आसानी से ये हमारे पौधे बन करके रेडी हो जाएंगे। मैं इसे आपको पूरा लास्ट तक ज़रूर दिखाऊंगी, आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें पौधों में कैसे इसकी ग्रोथ हुई है, कैसे पत्तियाँ आई हैं और फ्लावर होने के साथ साथ इसमें नीचे रूट बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बरसात के समय में अगर आप पौधे लगाते हैं कटिंग से, वो आसानी से लग जाते हैं, और जो बाकी टाइम पे लगाते हैं तो उस टाइम पे भी अगर बारिश का पानी भर करके रखते हैं तो उस टाइम पे बारिश के पानी में बहुत सारा मिनरल और विटामिन्स सब पाए जाते हैं। तो हमारे लिए बारिश का पानी एक तरह से बहुत बड़ा पौधों के लिए वरदान है। तो इस तरह से मैंने इन्हें लगा दिया है और लास्ट में आप देखेंगे कि इन पौधों में नीचे रूट काफ़ी अच्छी आ जाती है और इन्हीं से हमारे पौधे रेडी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है आप पौधे लेकर के आएँ तभी आप गार्डनिंग करें, तो आप कोई भी फूल ले आते हैं मॉस रोज के तो आसानी से इसमें इस तरह से ये लग जाता है। लेकिन नीचे साइड के पत्तियों को ज़रूर रिमूव कर दें। और अब आप आगे देखें, इस तरह से ये रेडी हो चुके हैं और इन्हें मैं अभी नहीं निकालूंगी, बस हरे भरे हैं ये, इसी में मैंने लगाए थे। तो छोटे छोटे सी इसमें कलियाँ भी बन करके रेडी हो गई हैं फ्रेंड्स। बाद में मैं एक और इसमें वीडियो कुछ दिनों बाद ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, थोड़ी दिनों बाद इसमें फिर से आपको जड़ दिखा रही हूँ, ये है। इसको मैंने गमले को दूसरी जगह भी उठा करके शिफ्ट किया था, तो आप देख रहे होंगे इसमें ये पौधे छोटे छोटे हैं, फ्लावर भी हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था। अब आप इसको देखेंगे, छोटे छोटे से पौधों में रूट आ चुकी है और ये 6 प्लांट अच्छे से मेरे रेडी हो गए हैं। आप देखिए, इनको बहुत ही आराम से इसको निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से इसमें रूट आ चुकी है और काफ़ी सुंदर इसमें फ्लावर होते हैं। बिल्कुल केयर नहीं करना पड़ता, आसानी से हमारे पौधे रेडी हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इन सारे पौधों को हटा करके आपको दिखाऊंगी कि रूट किस तरह से इसमें डेवलप हुए हैं, और बहुत अच्छी रूट हुई है फ्रेंड्स। तो मैं पहले सोच रही थी इसे लगा देती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि सारे पौधों को आपको निकाल करके दिखाऊँ और दिखाने के बाद एक साथ सारे लगाऊँ। तो ये देखिए, मैं निकाल रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि बारिश हुई थी तो मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हुई है, आसानी से निकल जा रहे हैं। इस तरह से देखिए, काफ़ी अच्छी लंबी सी रूट हो गई है, सारे पौधों में इस तरह से हो गई है। और आप जब बारिश होती है उस टाइम पे किसी भी बड़े बर्तन में भर करके स्टोर करके रखें, जब भी आपको अच्छे पौधों को कटिंग के द्वारा तैयार करना हो उसमें डालें। और रेन लिली में भी बीच बीच में अगर पानी आप डालते हैं तो रेन लिली के फ्लावर आपको देखने को मिल जाते हैं, और भी बरसात के अलावा भी। तो ये देखिए, इनमें काफ़ी अच्छी रूट हो चुकी है फ्रेंड्स। इस तरह से इन पौधों को मैंने लगाए थे और एक बार मैं देखना चाह रही थी कि फूलों से भी मेरे पौधे लग जाते हैं कि नहीं। तो ये देखिए, काफ़ी सुंदर रूट तैयार हो गई है, मेरे 6 फूल मैंने लगाए थे, 6 तरह के, और 6 तरह के मेरे पौधे बन करके रूट के साथ रेडी हो गए हैं। मैं इन्हें एक ही जगह पे इकट्ठे लगा दूंगी और इस तरह से मेरे पास हर तरह के फ्लावर आसानी से तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल भी खर्च नहीं होता है, आप कभी भी कोई भी डाली लेकर के आते हैं बारिश के टाइम पर, इसी तरह से लगा दें। और अब मैं इनको इकट्ठे एक साथ लगाऊंगी, ये देखिए सारे पौधों को एक साथ लगाऊंगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ये पौधे हैं और रूट तो देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी डेवलप हुई है, ये देखिए। तो अब एक ही जगह पे इन्हें लगा दे रही हूँ और बाद में इसमें गुच्छों में फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे रंग बिरंगे, तो इसकी भी मैं वीडियो बताऊँगी और दिखाऊँगी। तो मेरी वीडियो को इस तरह से अगर लाइक ना की हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ना की हो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें फ्रेंड्स। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। तो मेरा ये मॉस रोज़, और इसको मॉस रोज़ के अलावा नौबजिया इन सब नामों से जाना जाता है। आसानी से ये पौधे तैयार हो जाते हैं, करीब 9 बजे के आसपास ये पौधे खिलते हैं, इसलिए इनको नौबजिया कहते हैं फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।